सब्सक्राइब कीजिए देसी खेती चैनल को और साथ ही पास में एक घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए कृषि संबंधित नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो है इसबगोल के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई इसबगोल की खेती तो करते हैं लेकिन उनका उत्पादन इतना होता नहीं है, तो आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं या फिर कौन कौन सी तकनीक आप यूज़ करके इसबगोल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, तो आज इसी के विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बात आती है बुआई की, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले बात आती है बुआई की, तो बहुत सारे किसान भाई है क्या कि इसबगोल की जो बुआई है वो लेट कर देते हैं। लेट करने का मतलब मेरा है कि जिस समय आपके एरिया में गेहूँ या फिर आप कह सकते हैं गेहूँ की बुआई करते हैं उस समय आपको इसमें इसबगोल की बुआई कर देना चाहिए। और ठीक है, आप सोयाबीन और मक्का की फसल लेने के बाद आपको उसमें इसबगोल की बुआई कर देना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़ा जल्दी बोएंगे तो क्या है कि उसमें फुटान अच्छे से होगी और आपका प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं किसान भाई कि इसकी बुआई बहुत लेट कर देते हैं। लेट करने से यह होता है कि इसमें इतनी फुटान होती नहीं है, आपका प्रोडक्शन घट जाता है। इसबगोल की फसल फुटान के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर इसको आप पास पास बो देंगे तो इसका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए इसमें जो आप इसबगोल की फसल देख रहे हैं इसको सही समय पर इसकी बुआई की गई है, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन किस तरह अच्छा होगा। और आपको मैं वो खेती बताऊंगा जिसमें थोड़ी लेट बुआई की और उसमें थोड़ा जो सही तरीका नहीं था बोने का वो क्या नहीं था, जिस वजह से जो प्रोडक्शन वो घटेगा, तो भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे ये पौधा है इसबगोल का, ये देख सकते हैं आप, ये एक पौधा है यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर, अब बाकी सब इसमें फुटान है। आप देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं इसकी माजर, जिस आपके एरिया में आपके बोलते हैं इसको, ये माजर जहाँ भी जाते हैं, और यही होता है मेन, ये जितनी लंबी जाएगी, और ये लंबी तभी जाएगी जब आप इसकी समय पर बुआई करेंगे। तो समय की पर इसकी बुआई सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको बुआई का हमेशा ध्यान रखें कि समय पर इसकी बुआई कर दें। आप लेट बोएंगे तो इसमें इतनी फुटान नहीं होगी, तो आपका प्रोडक्शन निश्चित रूप से घट जाएगा। और जितना समय पर बोएंगे, ये माजर जितनी लंबी जाएगी, ये माजर ही आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगी। आप देख सकते हैं इसमें इस समय इतनी बड़ी हो गई और अभी बड़ी होने वाली है। दूसरी बात आती है इसमें इसकी दूरी की, दूरी कब आए, जब आप दूरी पर बोएंगे तभी फुटान आएगी। तो दूरी देख लीजिए आप एक पौधे से दूसरे पौधे में और ऊपर से मिला दीजिए, आपको ऊपर टच होते हुए दिखाई देंगे पौधे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा खेत ये व्यवस्थित दूरी बनाई रखी है इसमें, तो ये देखिए दूरी है तभी इसमें फुटान हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ पौधे से पौधे की दूरी देखिए यहाँ पे, ये एक पौधा है ये, ठीक है, और दूसरा है, पौधे से पौधे की दूरी तो ये देखिए तकरीबन आपको ये इतनी दूरी दिखी है, और उसके बाद इसमें एक बेत है लगभग, ये देखिए आप, और ऊपर जाके आपको लगेगा कि ये टच हो रहे हैं, ये देखिए ये दूर हो गया लेकिन फुटान होगी तो ये आपस मिल जाएंगे। ये देखिए आप एक ही पौधा है लेकिन ऊपर देखिए आपको नहीं लगेगा कि एक ही पौधा है। और आपको वो भी जगह बताता हूँ जहाँ पर पास पास बुआई की गई है, और ये छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको माजर भी कम दिख रही हो, जो दिख रही है वो माजर की साइज भी बहुत छोटी छोटी, ये देखिए इसकी दूरी देखिए आप, ये कितने पास पास है, ये देखिए ये आपको सीधा प्रोडक्शन घटा देती है। आपको लगता है कि फसल बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन अंत में जाके देखेंगे आप प्रोडक्शन घट जाएगा। प्रोडक्शन घटने के कारण है कि अगर पास पास होगी तो ये माजर की साइज छोटी आएगी, अगर ये माजर छोटी आएगी तो प्रोडक्शन आपका निश्चित रूप से आधा हो जाएगा। और मैं लेट फसल बताते हूँ आपको, आप वो भी देख लीजिए, तो वो भी आपका सीधा प्रोडक्शन घटा देगी। यहाँ देख सकते हैं ये एक और पास पास है, वो थोड़ी लेट भी है, ये देखिए ये लेट है, ये अभी इसमें माजर आ रही है लेकिन ये माजर इतनी बड़ी आएगी नहीं, और ये देखिए बहुत पास पास बो रखे हैं, ये देखिए ये
ये प्रोडक्शन नहीं आएगा इसमें, इसमें प्रोडक्शन निश्चित रूप से आधा भी नहीं आएगा जो मैंने पहले फसल बताई उससे। आप देखेंगे इसमें मोजर बहुत कम आई है अभी तक, और जो आएगी बहुत छोटी छोटी होगी, और छोटी होगी तो आपका निश्चित रूप से जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। ये पूरा खेत देखिए आप, आपको मोजर दिखाई नहीं देगी इतनी अच्छी, और आगे देख रहे हैं उसमें फिर अच्छा है। ये देखिए ठीक है, ये देखिए इसमें जो पहले अपन बात की वो खेत ये है, तो ये मेन समय पे बुआई। दूसरा इसमें आपको निश्चित मात्रा में पौधे से पौधे की दूरी बनाए रखना है, ज़्यादा भी नहीं है, एक बेद तो आपको मिनिमम रखना है, इतना रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत पास पास है या फिर प्रोडक्शन नहीं आएगा। ये देखिए देख सकते हैं इसमें जो माजर आ रही बहुत कम आ रही, और आगे वापस सही आ रही, आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ पर वापस दूरी है तो प्रोडक्शन भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ये देखिए ये पूरा एक ही है, आप नीचे से देखेंगे तो ये एक ही पौधा है, इसमें फुटान हुई है। ये देखिए आप ये माजर की साइज भी देखिए, ये देखिए एक माजर की साइज मैं बता देता हूँ आप, ये देखिए, ये देखिए ये माजरों की साइज देखिए आप। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसान भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा हौसला भी थोड़ा बढ़ जाए, ताकि हम भी ऐसे आगे आने वाले समय में और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।